आपको क्या लगता है, आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शवा लेंगे? ये औलाद आपके लिए कुरान पढ़ेंगे जो आपके कहने पर नमाज के लिए भी नहीं जाते? ये रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनकी कभी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती? ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो आज दीन पे आने की वजह से आपका मजाक उड़ाते हैं? ये बहन भाई आपके लिए सदका व खैरात करेंगे जो एक बार ईद पे मिल के जाते हैं वापस ईद पर ही मिलते हैं? तो ऐ गाफिल इंसान, मुखलिस के ज़माने गुजर गए, कयामत करीब है, अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं, आपको कहाँ से याद रखेंगे? तो इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें, अपने लिए कुरान खुद पढ़ें, यही अकलमंदी है, यही समझदारी है, और अपने हाथ से सदका खैरात करके इस दुनिया से रुखसत हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र हशर की तैयारी के लिए नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।